हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभांगी जैन एंड दिस इज पार्ट थ्री ऑफ योर चैप्टर नंबर 18 इन साइंस, दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो आफ्टर एयर पोल्यूशन वी विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय डिस्चार्ज ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक एंड पॉइजनस। हमारी वाटर बॉडीज में कुछ ऐसे सब्सटेंस का डिस्चार्ज होना जो क्या है, टॉक्सिक है और पॉइजनस है, वही क्या है, वाटर पोल्यूशन है। दीज अनडिजायरेबल सब्सटेंस, इन्हीं सब्सटेंसेज जिनकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन वाटर पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर डेट्रियोरिएट्स एंड विच ऑल्सो अफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट, जो हमारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। नाउ क्या सोर्सेज हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के? डोमेस्टिक सीवेज, सबसे पहला सोर्स कहाँ से हमें कहाँ कहाँ से ये वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है उसके वजह से भी वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिस इंक्लूड्स वेस्ट जनरेटेड इन होम्स ड्यू टू डे एक्टिविटीज़। वेस्ट जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, फूड वेस्ट, प्लास्टिक रैपर्स, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब क्या हैं, नॉर्मली हमारे घर में जनरेट होने वाला गार्बेज है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दीज वेस्ट ब्रीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जनरली क्या होता है कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रीड करते हैं एंड कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये हार्मफुल होते हैं और हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें ये ऑक्सीजन का लेवल डिप कम करते हैं, डिप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चरल रन ऑफ इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। हम क्या करते हैं, अपने फार्म्स में क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। दीज फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। सम फर्टिलाइजर्स आर एसिडिक इन नेचर। कई फर्टिलाइजर्स तो क्या है, एसिडिक होते हैं अपने नेचर में, और ये क्या करते हैं, जब हमारी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं ये एट द एंड, फिर ये वाटर कहाँ डायरेक्ट जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। नाउ ड्यू टू इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सीप्स इन टू ग्राउंड वाटर। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा क्या है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स। अब क्या होता है, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री सच इज पेपर, कई पेपर, शुगर मिल्स हैं, डिस्टिलरीज हैं, लेदर प्रोसेसिंग सिस्टम है, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग है, इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी क्या है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। जब ये इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो वाटर में रिलीज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से केमिकल कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। केमिकल जैसे कि मरकरी, लीड, कॉपर, कैडमियम, ये सब क्या है, यही ऐसे एफ्लुएंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जनरेट होते हैं, और इसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है और हमें स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ये केमिकल जब वाटर बॉडीज़ में डिजॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ, जो वाटर लाइफ है, वो भी हार्म होती है, एडवर्सली अफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट कॉज है हमारे पास ऑयल स्पिल्स। कई बार क्या होता है कि हमारे बड़े बड़े शिप जिनमें ऑयल होता है, ऑयल वो क्या होता है, लीक हो जाते हैं, लीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल इन द वाटर विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अब जितने भी शिप्स हैं वो किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, वाटर के थ्रू। अब क्या होता है कि हमारे शिप्स में क्या होता है, ऑयल होता है, तो ये ऑयल कई बार क्या होता है कि हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने की वजह से क्या क्रिएट करता है, हमें वाटर पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से। दिस एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसकी वजह से जो हमारी मरीन लाइफ है, प्लांट और एनिमल्स, वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। पावर प्लांट्स एंड सम अदर फैक्ट्रीज यूज द वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स और लेक्स एज अ कूलेंट। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, वाटर को यूज़ करती है एज अ कूलेंट। द हॉट वाटर इज देन रिटर्न टू द वाटर बॉडीज, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर। अब क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स का जो वाटर होगा वो हॉट होगा, ये हॉट वाटर हम कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं, और वाटर बॉडीज़ का क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन, यानी थर्मल वेस्ट की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो होगा थर्मल पॉल्यूशन। दिस ऑल्सो रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, इसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो रही है। अब इतने सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन होने की वजह से इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड सो अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट व्हेन डिस्चार्जिंग वाटर कॉजेज वाटरबॉर्न डिजीजेस। जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एट लास्ट वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारा जो वाटर बॉडीज़ का पानी है वो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ में नहीं ले पा रहे, और दूसरा जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है उसकी वजह से कई डिजीजेज होती हैं, जैसे कि वाटरबॉर्न डिजीजेज।
वाटरबॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी, टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, वाटर पॉल्यूशन मे नॉट हार्म आर हेल्थ इमीजिएटली बट कैन बी हार्मफुल फॉर आफ्टर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर. हमें इमीजिएट कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है वाटर पॉल्यूशन की वजह से, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है. अब क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? हम जब भी डू नॉट बाथ एंड वॉश क्लोथ्स नियर द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, हमें डायरेक्ट रिवर्स और ओशंस में बाथ या फिर अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पूरी वाटर बॉडी खराब हो जाती है. डू नॉट थ्रो लिटिल लिटर इन टू रिवर्स, लेक्स और ओशंस. कोई भी गार्बेज है, कचरा है, तो उसको डायरेक्ट आप रिवर्स और लेक्स में ना फेंकें. इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इन टू रिवर्स एंड लेक्स. जब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज़ किया जाता है, तो उससे पहले उनको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, यानी उनको फिल्टर किया जाए. एक्सक्रीटर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स अलोंग विद ऑर्गेनिक वेस्ट शुड बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्यूल एंड मैन्योर. जो भी एक्सक्रीटा होता है ह्यूमंस और एनिमल्स का, उसको वाटर बॉडीज में ना रिलीज़ करके उनको बायोगैस प्लांट में यूज़ करें, ताकि उसकी वजह से हम फ्यूल और मैन्योर बना सकें. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो हैं, इनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो अफेक्ट नहीं होगी. इंडस्ट्री शुड बी बिल्ट क्वाइट फार फ्रॉम वाटर बॉडीज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज जो हैं हमेशा सिटीज से थोड़ा दूर बनाई जाए. बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग वाटर बॉडीज. ये इंडस्ट्रीज जो हैं सिटीज से भी बाहर होनी चाहिए और वाटर बॉडीज से भी दूर होनी चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज दोनों को ही कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी वाटर बॉडीज़ को कॉन्टामिनेट करने के लिए. तो रेगुलरली क्लीनिंग के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, गंगा एक्शन प्लान इज़ वन सच प्लान जो लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें गंगा रिवर को क्लीन करने का एक जिम्मा उठाया गया था. मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी बिल्ट टू प्रिवेंट सीवेज मिक्सिंग विद वाटर. और कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, हम वाटर में जो सीवेज को मिक्स करते हैं, उससे पहले उसको ट्रीट किया जाए. नाउ हमारे पास गंगा एक्शन प्लान, ये क्या है, एक केस स्टडी है, जिसमें क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वाटर पॉल्यूशन को ये क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे. उसी प्रोग्राम में एक था गंगा एक्शन प्लान. ये 14 जनवरी 1986 को स्टार्ट हुआ. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा रिवर्स का जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कम करना और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड रिड्यूस अ टॉक्सिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट. जितना भी इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट है उसके टॉक्सिक लेवल को कम करना और डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करना. नेक्स्ट, कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन कोज्ड बाय एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ह्यूमन डेफिकेशन एंड कैटल वेलोइंग. और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, जो किसकी वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ह्यूमन डेफिकेशन और कैटल वेलोइंग की वजह से. मॉनिटर द थ्रोइंग ऑफ अनबर्न्ड एंड हाफ बर्न्ड बॉडीज इनटू द रिवर. कि कई आधी जली हुई चीज़ें भी और या फिर कम्प्लीटली जली हुई चीज़ें भी हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर देते हैं कि इसमें रिवर्स में. सेटिंग अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर टू अप कंजर्व द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर. हमें क्या है, एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर वहाँ पर सेटअप करना, जिसकी वजह से क्या है, हम रिवर के आसपास की बायोटिक डाइवर्सिटी को प्रिवेंट कर सकें. और दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ मिथेन फॉर एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेशन के लिए हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, मिथेन का प्रोडक्शन करेंगे.